आज हम इस वीडियो में इस छोटे से 160 रुपए के टेम्परेचर मॉनिटर से टेम्परेचर टेस्ट करेंगे इस वोल्टास 0.6 टन स्प्लिट एसी का, और आपको इसका अनबॉक्सिंग भी बताएंगे और इंडोर और आउटडोर यूनिट का टेम्परेचर टेस्ट भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सिर्फ 160 रुपए में मैंने इसको अमेज़ॉन से मंगाया है। डिलीवरी वगैरह सब मिला के करीब 160 रुपए का ये पड़ा। तो चलो मैं इसको खोलता हूँ। अगर आप भी इसे मंगवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करना, कमेंट देखना, मैं वहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। तो ये है ये डिवाइस, डिजिटल थर्मोमीटर, मात्र 160 रुपए में। और वाओ, इसके साथ में इन लोगों ने दो सेल भी प्रोवाइड कर दिए हैं। तो भाई ये तो विन विन सिचुएशन है, बस भगवान करे ये काम करे। तो जनरली इस तरीके के जो थर्मामीटर होते हैं ना, वो आप जो एसी वगैरह सर्विस करने आते हैं ना, उनके पास देखोगे, देखो इस तरीके का। तो एसी जो जनरली सर्विस करने आते हैं ना, वो लोग इस तरीके का थर्मामीटर रखते हैं। रेफ्रिजरेटर का भी शायद देख सकते हो, और अपने रूम का बाहर कितना टेम्परेचर हो रहा है रूम से, तो ये सब मेजर कर सकते हो। अगर आप कोई नया एसी मंगाना चाहते हो तब भी आप अपने रूम का पहले टेम्परेचर जो है चेक कर सकते हो। ये काफ़ी चीप है, तो मैं ज़्यादा दिन की ड्यूरेबिलिटी भी मैं इससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। भगवान करे बस ये इस वीडियो तक चल जाए तो भी बहुत हुआ है। देखो ये है इसका टेम्परेचर का मेजरिंग, वो इस यहाँ ये जो टिप है इससे आप मेजर करते हो, ये डिस्प्ले इससे आप देखते हो। ये जो तार है ये काफ़ी ठीक ठाक लंबी है और क्वालिटी भी तार की बहुत अच्छी है। ये कौन सी, बहुत ही जेनरिक कंपनी का है, तो मैं आपको दे दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन। तो देखें क्या ये ऑन होता है, इसमें सेल शायद लगा नहीं होगा। ओ वाओ, इसमें पहले से ही दो, अच्छा इसके अंदर दो सेल डलते हैं भाई, एक सेल नहीं है, दो बटन वाले सेल हैं बड़े वाले। LR44 जो सेल का कोड है, ये सेल डलते हैं इसके अंदर दो सेल। तो इसको ऑन करने का तो मुझे कहीं से बटन दिखाई नहीं दे रहा, ये ऑन कहाँ से होगा भाई, ये ऑन कहाँ से होगा, इसमें ऑन होने का तो कहीं सिस्टम है ही नहीं। अच्छा तो इसके अंदर ऑन ऑफ स्विच नहीं है, मैंने अमेज़ॉन पे चेक किया तो वो लोग कह रहे हैं ऑन ऑफ स्विच इसमें है नहीं। तो इसमें बैटरी तो इन लोगों ने डाल के दे दी है, तो इसका मतलब अगर ऑन ऑफ स्विच नहीं है, ये हमेशा ऑन रहता है, तो इसकी बैटरी तो चली गई, तो शायद इसी वजह से इन लोगों ने नए सेल दिए हैं। कोई बात नहीं, हम इन नए सेलों को डाल कर देखते हैं। भी नहीं टेम्परेचर दिखा रहा, आ गया भाई आ गया, ये आ गया टेम्परेचर। तो चलिए अभी इस एसी के टेम्परेचर को इस थर्मोस्टैट से, सॉरी इस एसी के टेम्परेचर को इस थर्मोमीटर से नापते हैं और देखते हैं कि इसका टेम्परेचर कैसा है। वैसे मुझे अभी 15 मिनट हो गए हैं इस एसी को 24 पे सेट किए हुए। तो जो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अब जो इस एसी के अंदर भी ना टेम्परेचर नापने के लिए एक सिस्टम आता है, जहाँ पर ये टेम्परेचर का नंबर दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पर ही इस एसी के टेम्परेचर का सेंसर है। यहीं से ये जो एसी है ये टेम्परेचर को सेंस करता है और तब जो है कंप्रेसर जो बाहर लगा है उसे कट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है, अगर आपने साइंस पढ़ी है तो आपको पता होगा जो ठंडी हवा होती है ना वो भारी होती है और जो गर्म हवा होती है ना वो हल्की होती है। जब ये एसी ठंडी हवा देता है ना, जो ठंडी हवा होती है ना वो नीचे जल्दी बैठ जाती है और जो गर्म हवा होती है मोस्टली रूम्स में जो होता है ना वो फ़ैन के ऊपर होती है। अब ये एसी, अब देखो यहाँ पे ये है मेरा फ़ैन और ये एसी जो है ना उससे भी थोड़ा सा ऊपर है, ये कम से कम 9 या 10 फीट की ऊँचाई पर एसी, 9-10 फुट की ऊँचाई पर है एसी। तो क्या होता है, मैंने कई बार नोटिस किया है जब मैं इस फ़ैन को चलाता हूँ ना
और मैंने टेम्परेचर 27-26 पे सेट किया है। तब ये तब काफ़ी देर ऑटो कट ऑफ नहीं हो रहा था, पर जब मैं इस फ़ैन को चलाता हूँ तो ये जो है ना जो कंप्रेसर है वो कट हो जाता है। तो इस चीज़ से मुझे समझ में आता है कि जो गर्मी है वो ऊपर ऊपर रहती है, तो इसका जो एसी का वो है ना वो ठीक से सेंस नहीं कर पाता कि टेम्परेचर कितना है। पर जब हम लोग नीचे लेटते हैं तो हमें तो फील होता है कि हाँ यार एसी तो ठंडा कर रहा है। तो इसलिए एक्चुअल जो टेम्परेचर है ना अभी उससे हम लोग नापेंगे। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से भी आप टेम्परेचर देख सकते हो। अब ये टेम्परेचर का मैं बटन दबाऊँगा तो देखना, वो देखो 27 दिख रहा है ना। और अभी हम लोग इसको नीचे टेस्ट करेंगे कि नीचे कितना टेम्परेचर आ रहा है। तो चलो टेम्परेचर चेक करते हैं। ये रहा मीटर, अभी 27 ही दिखा रहा है। अब इसको ना मैं यहाँ पे इस तकिए पे रख देता हूँ, हवा इसी साइड आ रही है। अब जो है टेम्परेचर पता लग जाएगा इससे कि ये टेम्परेचर कितना है। अभी देखो ये 27 ही दिखा रहा है। 24 पे सेट किए हुए एसी को 15 मिनट हो गए, क्योंकि ये एसी सबसे छोटा है, 0.6 टन, आधे टन का एसी है, तो इसे टाइम लगता है। देखते हैं अभी ये जो एसी है ना इसका, ये अभी ये घूम नहीं रहा है। अभी इसको ना मैं स्विंग पे करता हूँ तो अभी जो है ना एयर अच्छे से ऊपर नीचे हो जाएगी। तो अभी टेम्परेचर जो है ना इसका धीरे धीरे गिर रहा है। ठीक है अभी इसे लगाए डाल रखे हुए, इसको 5 मिनट हो गया यहाँ पे, ये हमारी गुड़िया सो रही है, और 5 मिनट इसको रखा है। और देखो टेम्परेचर धीरे धीरे जा रहा है। तो अभी देखो जैसे ही मैंने स्विंग का ऑप्शन ऑन किया, यहाँ पे देखो हवा सर्कुलेट हो रही है और टेम्परेचर जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। बस 5 मिनट हुआ है इसे रखे हुए यहाँ पे। अभी रात के 7:45 हो रहे हैं, 8 बजने वाले हैं। ठीक है और एसी 24 पे सेट किया है। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर, मैं टेम्परेचर का बटन दबाऊँगा तो ये दिखाएगा 27 पे, पर देखो एक्चुअल मीटर पे नीचे दिखाऊँगा तो आपको टेम्परेचर देखो 24.7 है। ठीक है गुड़िया सो रही है, मेरी माताजी सो रही हैं, वो तो उनको तो ठंड ज़्यादा लगती है, वो कंबल ओढ़ के सो रही है। एक्चुअल टेम्परेचर 24.7 है। तो देखो मैंने आपको बताया था ना कि जो टेम्परेचर सेंसर है ना एसी का वो इसके टॉप पर है, और जो टॉप पर जो हवा है ना वो है गर्म, क्योंकि जो गर्म हवा होती है ना वो उठ के ऊपर चली जाती है और ठंडी हवा होती है वो नीचे बैठ जाती है, ये साइंस है। ठीक है और इस पे देखो एक्यूरेट रीडिंग है ना इस पे है, जहाँ हम लोग सो रहे हैं ना 24 पे एसी सेट कर रखा है, तो ये 24 पे। ठीक है और ये नॉर्मल एसी है, ये इन्वर्टर एसी नहीं है। अब इन्वर्टर नॉर्मल एसी की जो हवा है ना बड़ी ठंडी है, और ये सिर्फ कितने टन का एसी है, सिर्फ 0.6 टन, भाई आधे टन का एसी और एकदम कूलिंग कर रहा है। और आउटसाइड टेम्परेचर अभी इस टाइम दिल्ली में अभी भी 38-40 के बीच है। अभी ये वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी मैं इस सेंसर को ना बाहर ले जाके छोड़ दूंगा, तब देखना कि इस पे क्या रीडिंग आती है। देखो 24.5 धीरे धीरे गिर रहा है। हाँ मैं मानता हूँ एसी की कूलिंग थोड़ी सी स्लो है, पर भाई एक्यूरेट है, आप मीटर से आप देख सकते हो। तकिए पे रख रखा है मैंने, जबकि तकिया जो है ना थोड़ा सा गर्म रहता है। अभी इसे इस पे फर्श पे रख दूंगा ना तो ये और ठंडा दिखाएगा। यहाँ से 9 से 10 फीट की दूरी है। जनरली लोग क्या करते हैं इसी तरीके से तो सोते हैं ना, नीचे सोते हैं और एसी इधर से ऐसे चलता है। तो इस तरीके से है जो ये जो ऊपर जो इसको टेम्परेचर की रीडिंग हो रही है ना वो फॉल्स रीडिंग है, क्योंकि एसी जो है ना वो नीचे ठंडा कर रहा है, गर्म हवा है वो ऊपर जा रही है। तो एसी को क्या लग रहा है कि ऊपर जो गर्म हवा है वो उसको टेम्परेचर के वो दे रहा है रीडिंग। तो चलो इस सेंसर को बाहर लेके मैं इसको रख देता हूँ 5 मिनट के लिए बाहर, और देखते हैं कि इस पर क्या रीडिंग आएगी। देखो बाहर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला ना
फटाफट आगे ऊपर बढ़ने लगा, तो मैं बाहर रख देता हूँ। देख लो अभी भी जो बाहर का टेम्परेचर है ना दिल्ली का, वो 38 डिग्री है। 5 मिनट में मैं सेंसर को ले आऊँगा, बाहर रखा है बालकनी में। और हाँ, एसी 24 पे चल रहा है। और ये देखो वोल्टेज मैं आपको दिखाता हूँ, 641 वॉट, क्योंकि गर्मी हो रही थी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना, वेरिएशन है। रात को ये 550 वॉट 70 वॉट तक हो जाता है, और दिन में जब गर्मी होती है तब ये फिर अपनी वोल्टेज को 670-700 तक ले जाता है। तो ये वोल्टेज है और 24 पे सेट है इसी। लगभग टेम्परेचर मीटर को रखे हुए 5 मिनट से ज़्यादा ही हो गए हैं। चलो बाहर चल के देखते हैं कि उस पर रीडिंग कितनी आ रही है। अभी अभी भी गर्म हवा फेंक रहा है। और रूम के अंदर ले आओ, देखते हैं टेम्परेचर, देखो कितनी जल्दी ड्रॉप होता है। ये देख लो भाई, आप लोग देखो टेम्परेचर कितनी जल्दी ड्रॉप हो रहा है। जैसे ही मैं बाहर से उठा के इसको सेंसर को नीचे अंदर ले आया हूँ, देख लो टेम्परेचर फटाफट फटाफट आधे मिनट में पूरे लगभग 9 डिग्री ड्रॉप हो गया है। एसी वहीं उतने पे ही सेट है। तो बताओ भैया, आपको ये वीडियो कैसा लगा? जिस जिस को इसकी कूलिंग के ऊपर शक हो रहा था कि भाई कूलिंग नहीं कर रहा, ये हम लोग टेम्परेचर सेट करते हैं इस टेम्परेचर अचीव नहीं कर पाता, तो आप अब बताओ। देखो दिल्ली का टेम्परेचर मैंने आपको बताया था ना, 38 हो रहा है। बाहर मैंने इसको रखा था, ये बिल्कुल 38 की रीडिंग पे था, ठीक है। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर की ठंडी हवा बाहर निकली रूम में से, और ये टेम्परेचर फिर गिरना उसमें शुरू हो गया। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग बता रहा है। और देखो अभी भी की ड्रॉप हो रहा है, ये 24 तक ड्रॉप होगा अभी, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि ये वीडियो बिल्कुल अथेंटिक है और आपको अब ये कैसा लगा? तो देखो इस वीडियो में ना मैंने पूरा टेस्ट कर दिया है इसको। हाँ, अब इस मीटर की बात करते हैं। देखो इसमें कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है, यहाँ से मैं सेल निकाल दूँगा तो ये मीटर बंद हो जाएगा। तो आपको जब इसको चलाना है तो सेल लगा लो, और आपको जब नहीं चलाना तो सेल निकाल लो। तो 160 रुपये में तो इसने काफ़ी कमाल ही कर दिया। तार भी बहुत अच्छी है, मीटर की क्वालिटी भी पकड़ने में अच्छी है। बैकलिट नहीं है, ठीक है, लाइट नहीं जलती है, मानता हूँ। अगर इसमें एक ऑन ऑफ का स्विच होता और होता ना तो बहुत बढ़िया होता, और वो भी चीज़ नहीं है। पर देखो टेम्परेचर बिल्कुल एक्यूरेटली शो कर रहा है। बाहर मैं ले गया था इसको, रखा था 38 डिग्री टेम्परेचर था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, ठंडी ठंडी हवा इसको लगी, इसने टेम्परेचर के पॉइंट कम करने शुरू कर दिए थे। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है। मैंने एसी के ऊपर रखा, एसी की हवा जब इसके ऊपर पड़ रही थी, जो एसी का फ्लैप है वो जब इस पर पड़ रहा था हवा, तो टेम्परेचर कम हो रहा था। जैसे ही ऊपर उठ रहा था तो टेम्परेचर फिर ज़्यादा हो रहा। तो इसी तरीके से देखो अब ये 24 पे आने वाला है। तो कैसा लगा दोस्तों आप सभी को ये वीडियो? प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा वीडियो लग रहा है ना तो एक लाइक प्लीज़ ज़रूर रख देना इस 0.6 टन वोल्टास एसी के लिए और इस थर्मामीटर के लिए। और अभी इस मीटर की ना एक और वीडियो और लाऊंगा मैं कल, इसको भरी दोपहरी में भी टेस्ट करेंगे जब बाहर का टेम्परेचर 42-43 होगा
तब उस पर टेस्ट करेंगे कि ये भरी दोपहरी में एसी कैसे वर्क कर रहा है। तो इस थर्मामीटर से और भी टेस्टिंग होती रहेगी। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।